हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके हम लोग एक ऐसा डेटा फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप स्कूल में अवेलेबल हर क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट में अपने बैचेस में देख सकते हैं कितने सीट्स अवेलेबल हैं, और अगर आप ऑफिस में डेटा को मेंटेन करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन इंप्लॉय है और कितने इंप्लॉय नहीं है, तो वो सारा डेटा आप डिजिटल बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो डेटा बनता है वो एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन होता है। वो डेटा ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक डिजिटल फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसके अंदर हम लोग डिजिटली अपने डेटा को आराम से फाइंड कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और इसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल स्क्रीन पर एक डेटा बना हुआ है, जहां पर मैंने ये डेटा बनाया है डेटा अकॉर्डिंग बैचेस। मैंने मतलब ये अपने इंस्टीट्यूट का डेटा बनाया है, जहां पर मैं 10 बैचेस अटेंड करता हूँ। जो बैचेस स्टार्ट होते हैं 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 और 11 to 12। उसके बाद यहाँ पे 3 to 4 है, और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे पास 8 to 9 इवनिंग में बैचेस हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से बैच में स्पेस है और कौन से बैच में नहीं है। जिस बैच में स्पेस नहीं है उसमें फुल लिखा रहा है, और जिसमें स्पेस है वहां पे दिखा रहा है कि हाँ इसमें 3 सीट्स बाकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे चेक में क्लिक कर दूं तो डायरेक्टली मुझे उसी बैच में भेज देता है, और यहाँ पे अगर मैं बैच के हेडिंग में क्लिक करूँ तो ये मुझे वापस उस डेटा में भेज देता है। तो ये मैंने किस तरह से किया, आज इस वीडियो में आप इस फोर फॉर्मेट को जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सीट्स बनाई हुई है, एक होम और एक डेटा। इसी तरह से मैं इसमें 2 सीट इंसर्ट कर लेता हूँ, सीट 1 और सीट 2। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 सीट ऐड कर ली है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे होम और डेटा के बीच में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास देखें अगर हम होम के अंदर, तो हमने 2 रो ली हुई है यहाँ पे, 1 और 2, और हमने 4 कॉलम लिए हुए हैं ए बी सी डी। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको हम लोग कर देते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर सीरियल नंबर्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके अंदर बैच, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीट्स। अब ये जो सीट है इसको मैं एक काम करता हूँ, यहां से लेके यहां तक मर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसके हेडिंग डेटा अकॉर्डिंग बैचेस, और इसको अगर हम फॉर्मेट करना चाहें तो कलर के साथ हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, या इसका साइज बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और अगर हमें और बड़ा करना होता है तो इस तरह से भी हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से आके टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कुछ डेटा बना लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग इनमें सब पे बॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोगों ने पूरा बॉर्डर लगा लिया। अब बॉर्डर लगाने के बाद, अब ये तो हो गया पहली शीट, जहाँ पे हम लोग अगर सीरियल नंबर लिखना चाहें तो हम यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, और इसको कंटिन्यू नीचे को ड्रैग कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम लोगों को अगर बैच लिखना होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना, मतलब बैच की टाइमिंग भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग फर्स्ट बैच सेकंड बैच ऐसे भी इंडिकेशन दे सकते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया जैसे मैंने उस तरह से लिखा है, मैं इसमें लिख लेता हूँ 8 to 9, 9 to 10। तो आप देखेंगे जब मैं 8 to 9 या 9 to 10 लिख रहा हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास डेट के अकॉर्डिंग डेटा बन रहा है। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से डेटा बन के आए, आप चाहेंगे कि यहाँ पे जो डेटा है वो नॉर्मली जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे ही आए। तो हमें यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें इस फॉर्मेट पे जाना है जहाँ पे हम लोगों से टेक्स्ट में कलेक्ट कर देना है। टेक्स्ट में करने के बाद इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे करते हैं इसको राइट फॉर्मेट, और यहाँ पे अब हम लोग अगर इसमें टाइमिंग डालते हैं कि मुझे इसको 8 to 9 चेक करना है, और यहाँ पे मुझे इसको 9 to 10 करना है, तो यहाँ पे ये उसी फॉर्मेट में आते जाएगा इस तरह से। और अगर हम लोग इनकी बात करें सीट्स की, तो यहाँ देखेंगे हम लोग होम के अंदर एक तो आ रहा है इसमें फुल, और एक ऑप्शन लिखा रहा है चेक। तो फुल और चेक के लिए हम लोगों को इसमें जो दूसरा डेटा है हमारा उसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा पहले। तो मैं शीट नंबर 2 में गया, और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो डेटा में हम लोगों ने किस तरह डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 और 2 मैंने 2 रो ली हुई है, सेम इसमें भी मैंने 4 कॉलम लिए हुए हैं, और यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से डेटा बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी डेटा को क्रिएट कर लेते हैं। अब हम डेटा के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या हेडिंग है हमारे पास। एक हेडिंग हमारे पास है यहाँ पे सीरियल नंबर, एक है नेम और एक है कोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरह से सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, यहाँ पे लिख लेता हूँ कोर्स, और यहाँ पे हम लोगों को जो भी लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ लिखा बैच 8 to 9,
और यहाँ पे हम लोगों को इसे फॉरवर्ड करना होता है, तो हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि इसके बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, या फिर इसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ जाना है और यहाँ पर भी एक फॉर्मेट दे देना है। तो यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेट है, यहाँ पे येलो कलर की हम लोगों ने लाइन दी हुई है, तो एक काम करते हैं यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम लोग इसमें येलो कलर कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बोल्ड। एक काम करते हैं, इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसमें बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सीरियल नंबर लिखने होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट सीरियल नंबर लिख लेते हैं और डेटा को सेट करके इसे नीचे को ड्रैग कर देते हैं। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिख लेते हैं। तो नॉर्मली मैंने अभी आपको समझाने के लिए इसमें लिख दिया, जैसे कि राहुल, अमित, मोहन, निशांत, तरुण, विशाल, तो इस तरह से हम लोगों ने ये लिख लिया। अगर ये कोर्स की बात करते हैं तो मैंने इसमें लिख लिया DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, TCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BCC, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये जो हमें भरना हो इसके अंदर हम लोग को सारी चीज मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही फॉर्मेट हम लोगों को और कॉपी करके क्रिएट करने हैं, यानी कि हमारे जो अलग अलग बैचेस होंगे उन बैचेस में भी हम लोगों का ऐसे फॉर्मेट चाहिए होगा। तो हमें बार बार ये डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करके दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है और अपनी वैल्यूज को वहां पे चेंज कर देना है। तो मैंने चार बैचेस यहाँ पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसे चेंज कर देता हूँ डेटा को। यहाँ पे मेरे पास ये 8 to 9 दिख रहा है, तो मैं इसको 9 to 10 कर लेता हूँ। सेम हम लोग इसमें जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं 10 to 11, और यहाँ पे हम लोग इसमें जाते हैं और हम इसको कर लेते हैं 11 to 12। यानी कि हम लोगों को जो वर्क है वो स्मार्ट करना है, ना कि हार्ड करना है। अब इतना करने के बाद अगर हम लोगों को यहाँ पर भी लिखना होता है तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख लिया इस तरह से, शिवानी, निशा, अमन, दीपक, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा डेटा भी बना लेता हूँ जिसमें कोई बैच फुल भी हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सारे नाम, रंजीत, कंचन, साक्षी, काजल, रुचि, वेदांश, नितेश, खुशबू। तो ये मैंने यहाँ पे एक डेटा ये भी बना लिया जिसमें हमारे पास सारी सीट्स फुल हैं। अब बाकी है फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद कौन सा फॉर्मेट बाकी है कि जो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सीट्स पे, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने कैसे लगाया है, किस बेस पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है कि यहाँ फुल लिखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब लगाएंगे हम लोग इफ का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला इस कंडीशन में लगता है कि अगर हमारी ये वैल्यू जो भी हम लोगों ने लॉजिक दिया होता है वो मैच करे, तो वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। आपने इफ कंडीशन पढ़ी होगी और इससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला अगर लगाता हूँ, मैंने किया इज इक्वल टू इफ। इफ करने का मैंने इसमें देख सकते हैं लॉजिक कब आ रहा है, लॉजिक टेस्ट के लिए। तो लॉजिक क्या देना है, मैंने यहाँ पे गया काउंटर, मैंने इसे कहा कि आप यहाँ से पूरी रेंज काउंट करो, इस पूरी रेंज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अगर वो इज इक्वल टू 8 होते हैं, ये मैंने इसको लॉजिक दिया, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे आंसर दे दो फुल कि बैच फुल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करना है कि जो 8 स्टूडेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ 8 मैंने दिया है एक, कि मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे क्लास में 8 हो सकते हैं, तो उस 8 में से आप माइनस करना काउंटर। काउंटर क्या करेगा, इस पूरी रेंज को काउंट करेगा। दोबारा मैंने काउंट इसलिए दिया कि इसमें जितने भी नंबर्स होंगे ये फॉर्मूला काउंट करेगा टोटल, और उसमें 8 में से उनको माइनस कर देगा और जो नंबर होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैंने किया एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2। क्या इसमें 2 ही शीट बाकी हैं? आप देख सकते हैं इसमें 2 शीट बाकी हैं और इसने वहां पे 2 लिखा के दिखा दिया। ऐसे अगर हम लोग बाकी बैचेस के लिए देखें, मैंने यहाँ पे बैच भर लिया यहाँ पे 10 to 11, 11 to 12, इस तरह से हम देखते हैं एक बार कि कौन सा बैच फुल है। हमारा 10 to 11 वाला बैच फुल है, मैं उसी फॉर्मूला को यहाँ पर भी इंसर्ट करता हूँ। तो हम जाते हैं 10 to 11 के अंदर, इज इक्वल टू इफ काउंटर, यहाँ पे हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये रेंज इज इक्वल टू 8 है तो फुल लिखा है, नहीं तो 8 माइनस काउंटर, इस पूरी रेंज में से हम स्टूडेंट्स को काउंट करना और माइनस करके स्टूडेंट्स हमें दिखा देगा। यहां मैंने कर दिया एंटर।
तो यहाँ पर इसने लिखा दिया फुल कि ये जो बैच है हमारा ये पूरा का पूरा फुल है, तो इसके लिए हमें फुल लिखा है। तो ये होता है फॉर्मेट इसमें फॉर्मूला का, कि ये जो मेरे डेटा में फॉर्मेट आ रहा था कि आप देख सकते हैं जहां जहां पर खाली है वहां पे सीट्स दिखा रहा है और जहां फुल है वहां पे फुल दिखा रहा है। तो आपको इसी तरह से फॉर्मूला लगा के यहाँ पर ये चीजें समझानी होती है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इस तरह से, ये आपको दिख जाएगा ऐसे। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे वाले डेटा में जो फुल है उसमें रेड मार्क दिखा रहा है और जिनमें सीट है उनमें कोई भी कलर नहीं दिखा रहा है। तो अगर यही चीज आपको अपने इसमें करनी हो तो उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आपको हाईलाइट सेल्स के अंदर जाना है, जहां पर आपको करना है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और यहाँ पे आपको लिख लेना है फुल, कि जिसमें फुल लिखा होगा वो रेड कलर के साथ यहाँ पे फिल हो जाए। आप कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से। मैंने अभी डीपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं बताई है, तो हम लोग उन्हें नॉर्मली इस तरह से अभी कर लिया ये वाला फॉर्मेट। अब अगर देखेंगे यहाँ पे, इसमें एक चीज तो हो गई कि क्लियर है हमारा कि फुल कैसे लिखा था और शीट्स कैसे बाकी होती है, लेकिन जो इसमें अभी वर्क कर रहा था नॉर्मली मैं किसी भी क्लिक कर रहा था चेक पे, तो ये उसको सिलेक्ट कर ले रहा था और किसी भी हेडिंग में क्लिक करने पर ये कुछ इस तरह दिखा रहा है। जैसे बाकी की अगर बात करें, मैंने इस तरह से क्लिक किया तो ये डायरेक्टली उस बैच को सिलेक्ट कर देता है जिस बैच की मैं हम लोग जाना चाहें। लाइक मैं यहाँ पे जैसे होम पे हूँ और यहाँ पे अगर मैं जैसे नॉर्मली सूट टू वाले में सिलेक्ट करता हूँ तो ये बैच नंबर 902 को सिलेक्ट कर लेता है, और मैं इसके हेडिंग में क्लिक करूँ तो ये मुझे यहाँ भेजता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कोई इसमें कोडिंग नहीं की, कोई इसमें मैक्रो नहीं लगाया, बहुत ही इजी फंक्शन हम लोगों ने इसमें हाइपरलिंक यूज किया। देखते हैं किस तरह से हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमको यहाँ पे हम लोग लिखना है चेक, जो मैंने लिखा हुआ है आप कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहीं तक अभी इसको ले आता हूँ, सभी में नहीं ले रहा, यहीं तक ले रहा हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक हाइपर लिंक एड करना है, क्योंकि हमारे अलग अलग बैचेस हैं तो हमें अलग अलग बैच के लिए यहाँ पे अलग अलग लोकेशन हाइपर लिंक के अंदर देनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोगों को हाइपर लिंक भी अलग अलग लगाना पड़ेगा। अगर आपको पूरी एक शीट का ही देना है तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने नॉर्मली इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं गया यहाँ पे इंसर्ट के अंदर और मैंने यहाँ पे किया लिंक में क्लिक। लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने किया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक। ये पूछता है कौन सी नंबर की शीट में आपको जाना है, तो मुझे शीट नंबर 2 में जाना है। शीट नंबर 2 में कौन सी लोकेशन में जाना है वो लोकेशन मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती है पूरी की पूरी, और वो लोकेशन मुझे पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो मेरे डेटा को सिलेक्ट करेगा। तो अगर मैं शीट नंबर 2 पे जाता हूँ तो ये जो मेरी लोकेशन है ये वाली, ये लोकेशन हमारी है A1 से लेके D11 तक, तो उस कंडीशन में मुझे जब यहाँ पे हाइपर लिंक लगाना होगा तो मुझे लिंक में जाके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है, शीट नंबर 2 में क्लिक करना है और 8 यहाँ पे मुझे लिखना है A11 टू D11, यहाँ मुझे करना है A1 टू D11 और मुझे यहाँ पे कर देना है इसको ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक लिंक ऐसा दिखा रहा होगा आपको, आप नहीं चाहते इस तरह से दिखाए तो आप यहाँ से इसको बोल्ड कीजिए, आप इसका अंडरलाइन हटाइए और यहाँ से ऐसा जो कलर होता है वो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अब आप कभी भी इस चेक में क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली इस डेटा पे पहुंच जाएंगे, और अगर आपको वहीं जाना है जहां पर आप थे तो आपको यहाँ क्लिक करना है, जहां से आपको ही यहाँ से भी इंसर्ट में जाना है, लिंक में क्लिक करना है, यहाँ से कर देना है आपको अपनी शीट नंबर 1 पे क्लिक, और वहां पे आपको A1 पे जाना होगा तो आप यहाँ से आके बस ओके कर दीजिए। इसने फॉर्मेट को चेंज कर लिया है, तो हमें काम करते हैं यहाँ जाते हैं, यहाँ से हम लोग होम टैब में जाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं और उस फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल लिखा रहा है, लेकिन मैं कभी भी यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं इस सीट में पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है हाइपर लिंक की हेल्प से किसी भी सीट को एक जगह से दूसरी जगह लिंक करना, और इफ के फॉर्मूला से ये काउंट करना कि हमारे पास अवेलेबल चीजें कितनी है। अब जरूरी नहीं है कि ये आपके बैचेस को ही काउंट करेगा या फिर ऑफिस में सिर्फ ये काउंट करेगा कि कितने इम्प्लॉयज हैं या फिर कुछ। जो एक्सेल में कमांड्स होती हैं वो पहले से फिक्स होती हैं, लेकिन जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट वही देता है जिसके अकॉर्डिंग उसको कंडीशन मिली होती है, और कंडीशन हमेशा एक यूजर ही डिफाइन करता है कि किस कंडीशन पे आंसर्स निकालने हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको कंडीशन देनी है कि एक्सेल को ये आंसर या ये आउटपुट देना है। तो आप इस फॉर्मूला या इस फॉर्मेट को किस तरह से यूज में लेके आते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये ऑप्शन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।